हमारी प्राचीन परंपराओं में जो हमारे विद्वत जनों ने पेड़ लगाने को कहा था, उनमें पीपल, बरगद, बेल, नीम, जामुन, बरना, वरुणयन और साथ साथ जो हरहड़, बहेड़ा, आंवला, इनका जो महत्व था उसको ध्यान में रखते हुए ही हम इनको जंगलों से लाए और हमने इनको अपने ग्राम या शहर के पास लगाया, जिससे हमें तत्काल स्वास्थ्य रक्षा के साधन प्राप्त होते रहे। ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा पीपल है, जिसको हम पंच क्षीरी, जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि पांच ऐसे पौधे जिनको पत्ता अगर तोड़ते हैं तो उसमें से दूध या लेटेक्स निकलता है, तो इनको हम पंच क्षीरी वृक्ष यानी पांच क्षीर देने वाले, दूध जैसा पदार्थ देने वाले, लेटेक्स को बनाने वाले, हम इनको पंच क्षीरी वृक्ष कहते हैं। इनमें बरगद तो आप देख चुके हैं कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, उसी तरह से उसी स्तर पर पीपल का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में। पीपल का पौधा जिसका कि हम पिलखन, बहुत से लोग इसको रिलीजियस यानी फाइकस रिलीजियोसा कहते हैं, यानी वनस्पति विशेषज्ञ को भी मालूम था कि भारतवर्ष में इसको पवित्र पौधों की श्रेणी में माना गया है और हम पर्सी लैंकास्टर के बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुए कार्य को देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे भारतीय पवित्र पौधों का किस तरह से 136 पौधों का संकलन किया। ये पीपल बौद्धों के लिए भी बहुत पूजनीय पौधा है। बुद्ध भगवान ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही साधना करने के बाद उनको प्राप्त हुआ था। पीपल का हर भाग बरगद की तरह उपयोगी है। इसके फल अत्यंत वाजीकरण है, उसमें पेड़ की छाल, पत्ते, फल, पके फल सभी दूध में पकाकर पीने से पुष्टिकारक हैं और वाजीकरण का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसकी प्रॉप रूट यानी जो पेड़ से निकलने वाली जड़ें, उनका प्रयोग भी पुंसवन कर्म के रूप में बरगद की तरह ही किया जाता है। पुंसवन कर्म का अर्थ है कि जिन महिलाओं को अधिक बालिकाएं या कन्याएं उत्पन्न होती हों तो उनको यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो इसका प्रयोग बरगद की जटाओं की तरह ही दूध में, उड़द की दाल में और दुग्ध के द्वारा जिस गाय का बछड़ा जीवित हो उसके दूध के साथ देने से यह पुत्र प्राप्त होता है। यदि इसके वैधानिक स्वरूप पर जाएं तो पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं है, परंतु कई बार ये देखा गया है कि जब निरंतर 1, 2, 3, 4, 5 पुत्रियां हो जाएं तो उसके जो परिवर्तन के रूप में इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो वो संतान बहुत स्वस्थ होती है औरों की तुलना में, तथा पुत्र के रूप में भी प्राप्त होती है, यद्यपि यह शोध का विषय। पीपल की छाल श्वास या दमा रोग में बहुत उपयोगी है। इसको महीन चूर्ण बना करके और दौरे के समय या बिना दौरे के समय भी 30-40 दिन तक देने से लाभ मिलता है। मधु के साथ या एक बहुत प्रचलित उपाय है उसमें मल भस्म का प्रयोग होता है, यानी संख्या या आर्सेनिक की भस्म बनाई जाती है चिकित्सक के देखभाल में, फिर उसको 1 से 2 रत्ती की मात्रा में पीपल की छाल के चूर्ण के साथ मिलाकर और कार्तिक पूर्णिमा के दिन
गाय के दूध की खीर बनाकर उसमें मिलाकर दिया जाता है। रोगी को निरंतर चंद्रमा की रश्मियों में बैठाते हैं और प्रातः होने तक उनको वहाँ रखा जाता है और प्रातःकाल उनको ये औषधि दूध के साथ दी जाती है। ऐसे बहुत से निस्वार्थ कैंप लोग लगाते रहते हैं और उससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए। इसमें एक साइड बेनिफिट अर्थात एक लाभ मैंने ये होते देखा है स्वयं गुरुकुल कांगड़ी में कि जिन महिलाओं को पुरुषों को दिया गया उनके पेट से कृमि भी निकल गए, अर्थात जो गंडूपत कृमि या जिसको हम केचुआ वाला एस्करिस कहते हैं वो भी इससे निकलते देखा गया। एक अन्य प्रयोग में पीपल की छाल का जला करके और उसकी भस्म बना लें। लगभग 10 ग्राम इस भस्म को लेकर के और एक कप पानी में घोल लें और अच्छी तरह घोलने के बाद जो काष्ठी यानी लकड़ी का भाग है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर निथर करके पानी ऊपर आ जाएगा। इस पानी को सुरक्षित बोतल में बंद करके रख लें तथा उल्टी या वमन की अवस्था में या जिनको हिचकी किसी भी उससे ना रुक रही हो तो उसमें 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में इसमें दिन में 2-3 बार दिया जा सकता है। पीपल को की छाल का क्वाथ या काढ़ा बना करके अकेले या जो पांचों वृक्ष हमने पूर्व में कहे थे अर्थात पीपल, पारस पीपल, बरगद, पिलखन और गुलर, इन सब की छाल का चतुर्थांश शेष क्वाथ बना लें। चतुर्थांश शेष का अर्थ है कि जितनी छाल है उससे 8 गुना पानी डाल करके और चौथाई उसको बचा लें और छान करके इसका प्रयोग योनि दोष में जहाँ स्राव होता हो पूर्व में भी हम ये देख चुके हैं वहाँ करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह से इसको प्रक्षालन या अंदर के हिस्से को धो देना चाहिए जिससे जो वहाँ की अंत स्तर है या अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें जो स्राव होते हैं रक्त का स्राव या वो जो श्वेत प्रदर का स्राव होता है उसमें भी लाभ होते देखा गया है। और आयुर्वेद में ये बहुत जो महिला चिकित्सक हैं वो इसका बहुत अधिक प्रयोग करती हैं। पीपल का ही एक जो पंचक्षीरी वृक्ष में हमने देखा था पारस पीपल भी होता है जो हमारे हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इसमें मिलता है। यही पवित्र पारस पीपल है जो पीपल के समस्त गुणों से गुण इसमें मिलते हैं और उसके अभाव में एक दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। पीपल के बारे में जो ये धारणा है ये वैज्ञानिक शोध से ये सिद्ध हो गया है कि पीपल दिन में तो ऑक्सीजन देता ही है, रात्रि में भी यह ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक है। इसलिए निरंतर हमें पीपल के वृक्ष लगा करके अपने पर्यावरण को ठीक रखना चाहिए। अतः ये समझ लें कि बौद्धों के लिए भी हिंदुओं के लिए भी पवित्र इस पौधे को हम बचाएं, स्वच्छ रखें और अच्छे स्थान पर मंदिर में इसको लगाएं, जिससे आवश्यकता होने पर हर कोई उसका लाभ उठा सके, प्राप्त कर सके।